welcome back to my channel. It would mean a lot if you spare a second and subscribe to my channel. लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के, नए नए चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो आज का वीडियो से सिट डाउन वाला वीडियो होने वाला है. बहुत दिनों से आपको मैंने कोई ऐसा वीडियो शेयर नहीं किया था जिसमें बैठ के सिर्फ आपसे बातें कर रही हूँ, अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो आज मैंने सोचा है कि आपके साथ एक ज्वेलरी हॉल आपके शेयर करूंगी, क्योंकि कुछ एक सब्सक्राइबर थे मेरे जो मुझे बोल रहे थे कि आप अपना ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करो और आपके पास कौन कौन सी ज्वेलरी है, कैसी ज्वेलरी है, वो सारी चीज़ें शेयर करो. तो आई थॉट कि क्यों ना शेयर किया जाए. मैं ट्राई करूंगी कि इस वीडियो में मैं आधा आपके साथ शेयर कर दूँ, आधा मैं कभी और कर दूँ, क्योंकि एक वीडियो में शेयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल टाइप का चीज़ हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कलेक्शन है. तो सारी चीज़ें तो मैं नहीं एक वीडियो में शेयर कर सकती, बहुत बड़ा वीडियो जाएगा, फिर आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा देखने के लिए. तो इस करके जितना होगा आज मैं ट्राई करूंगी कि मैं जंग ज्वेलरी है जो ऑलमोस्ट वो आपके साथ शेयर कर दूँ. बाकी जो गोल्डन वाला ज्वेलरी होगा या जो सिल्वर बचेगा वो भी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी. अगर आपको अच्छा लगेगा ये वाला वीडियो तो फिर मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ वो शेयर कर दूँ. तो चलो बहुत ज़्यादा इससे बातें हो गई, अभी मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाती हूँ. तो फर्स्ट मैं दिखाऊँगी ये नेक पीस है एक, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी. तो ये कुछ इस तरीके का है. मैं आपको नेक पीस जो दिखाऊंगी वो मैं इस बॉक्स के ऊपर रख के दिखाऊंगी, क्योंकि मैं कैमरा से शूट कर रही हूँ जिसकी वजह से ना वो फोकस सिर्फ मेरे फेस पे कर रहा है और इस पे नहीं कर रहा है. तो मैं आपको इस तरीके से दिखाऊंगी, आई होप आपको समझ आ जाए, एक आइडिया मिल जाएगी किस तरीके की ज्वेलरीज है मेरे पास. तो फर्स्ट जो नेक पीस है वो कुछ इस तरीके का है, और ये नेक पीस मैंने लिया था एसन से जब मैं एसन गई थी, आई गेस 2 साल पहले. तो तब मैंने ये परचेज किया था, क्योंकि मुझे ऐसे वाली ज्वेलरीज ना मुझे बहुत पसंद है, जंग ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. नेक्स्ट जो पीस है वो है कुछ इस तरीके का. ये आपने बहुत बार मेरे को आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे वीडियोस में पहने हुए देखा होगा, बहुत बार मैंने इसको वेयर किया है नेक पीस को. इसी को देखकर मेरे पास DM आए थे कि आप अपना ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करो हमारे पास. तो ये पीस जो है ये मैंने लिया था एसेंस से, और मुझे ना प्राइस सबका याद नहीं है, गैस ये 200-250 रुपए का होगा, 250-300 से कोई ज़्यादा ऊपर वाली ज्वेलरी होगी नहीं मेरे पास, क्योंकि इससे ज़्यादा महंगी ज्वेलरी मैं लेना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे वो वेस्ट लगता है. 250-300 तक का ठीक होता है ज्वेलरी. तो ये वाला है एक और नेक पीस, ये कुछ इस तरीके का दिखता है. ये नेक पीस मुझे मेरे एक फ्रेंड थी, उन्होंने गिफ्ट किया था, है मतलब फ्रेंड थी नहीं अभी भी है. तो ये बहुत अच्छा लगता है वेयर करने के बाद, इसको भी पहन के मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं आप फॉलो करते तो आप देख लेना वहाँ पे जाकर. ये हमने CP से परचेज किया था, मतलब मैंने नहीं किया था, वो मेरे लेके आए थे, मेरा बर्थडे गिफ्ट या कि कोई ओकेजन था उसका गिफ्ट था कोई, तो उस पर उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था. और नेक्स्ट पीस है ये पीस मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, जो इसका साउंड है ना, ये साउंड और वाटरफॉल का जो साउंड होता है ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, कि जब भी मुझे ऐसा चाहिए होता है ना कि मेरे मुझे हेडेक हो रहा है या मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ, तो मैं ये दो साउंड ना बहुत सुनना पसंद करती हूँ, मुझे ना बहुत ऐसा पीस फील होता है इनको सुनने के बाद. तो नेक्स्ट पीस है कुछ ये इस तरीके का. ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था जब लॉकडाउन था, उस टाइम पे मैंने परचेज किया था. इसके साथ मैंने बहुत सारी ज्वेलरी परचेज की थी, तो ये वेयर करने के बाद बहुत बहुत सुंदर लगता है. इसको भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में वेयर किया हुआ है इंस्टाग्राम की, तो सारी इंस्टाग्राम की वीडियोस में मैंने आइडिया वेयर किया होगा, अदरवाइज फंक्शंस वगैरह की पिक वगैरह होगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. नेक्स्ट जो पीस है वो ये है, ये मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट किया था किसी ओकेजन पे, तो ये कुछ इस तरीके का. ये चोकर वाले भी आप वेयर कर सकते हो और नॉर्मल भी, लाइक ऐसे लंबा करके भी वेयर कर सकते हो. इसको वन पीस के साथ मैंने कई बार वेयर किया है, तो ये है नेक्स्ट. एंड इसके बाद में आपके साथ शेयर करूँगी, ये बहुत यूनिक सा लगा था इसलिए हमने इसको परचेज किया था. हम कहीं पर विजिट किया था, हमने आई गेस घूमने गए थे शायद हम कहीं, तो वहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर हम वेट कर रहे थे. मेट्रो स्टेशन पे हम पता नहीं किसी का वेट कर रहे थे, मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली स्टोरी क्या थी इसके पीछे. तो ये कुछ इस तरीके का, इस पे ना इस पे बनी हुई है,
दूल्हा दुल्हन जो होता है ना, लाइक जो उसमें होता है ना कार्ड नहीं होता शादी का, उसके अंदर जो चीजें नहीं होती बनी हुई, दूल्हा दुल्हन और घोड़ी हाथी घोड़े ऐसे वाला, आई गेस आपको दिख रहा होगा किस तरीके का है। तो ये आज तक मैंने कभी वेयर नहीं किया, क्योंकि नहीं किया क्योंकि ऐसा कोई ओकेजन मुझे आया भी नहीं है कि मैं वहाँ पे इसको वेयर करूँ। और ये ना थोड़ा सा सेटिंग करने में ना प्रॉब्लम कर रहा है, ये यहाँ पे अटक जाता है। ये है चोकर बट ना इसको ऐसे तरीके से पहनो तो ये सुंदर लग रहा है, अदरवाइज चोकर के हिसाब से पहनो ना तो ये यहाँ से ना इस तरीके से ऐसे हो जा रहा है, तो ये थोड़ा सा ना कंफर्टेबल फील नहीं करा रहा है मेरे को। तो ये हम किसी का वेट कर रहे थे, वहाँ पर मुझे ये दिख गया तो हमने वहाँ से ले लिया। ऐसे ही जल्दी में परचेज कर लेती हूँ, कोई रीज़न नहीं होता जल्दी परचेज करने का। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ऐसे ही कोई भी ज्वेलरी पीस आप परचेज मत करो, कि इसमें से जो मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी है उसमें से 50% ज्वेलरी मैंने वेयर की हुई है आज तक, और 50% ज्वेलरी मैंने वेयर ही नहीं की है। कब से लेकर हमने रखा हुआ है कलेक्शन, बट मैंने आज तक अभी वेयर ही नहीं किया है, क्योंकि जो मुझे अच्छा लगता है ना, जो सबसे फेवरेट है, मैं उन्हीं को वेयर करती रहती हूँ। एक है ये लंबे वाले जो लॉन्ग वाले पीसेज नहीं होते हैं, ये उस तरीके का पीस है कुछ, तो ये कुछ इस तरीके का, ये भी हमने एसेंस ही लिया था। और ये वाला भी मैंने आज तक भी वेयर नहीं किया है, बट आई होप कि एक दो दिन बाद जो वीडियो आप देखोगे तो मैं इसको वेयर करूँगी, जिसमें मैंने एक दो लुक शेयर करने हैं आपके साथ, तो उसके साथ में आई गेस मैं इसको वेयर करूँगी। तो ये बहुत सुंदर लगता है इसे पहनने के बाद, और ये भी मैंने एसेंस ही लिया था, इसको मैंने वेयर नहीं किया, ये भी गिफ्टेड है। इसके साथ में है एक और ये नेक पीस, तो ये वाला आई गेस मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ से मंगाया था। तो ये है कुछ दिखने में इस तरीके का, इसको भी मैंने पहना है। ये मैं स्कूल में जब मैं वर्किंग हुआ करती थी एज अ टीचर, तो मैं कई बार इसको स्कूल में वेयर करके गई थी, क्योंकि सूट के ऊपर बहुत, सूट साड़ी के ऊपर बहुत अच्छा लगता था। सूट के ऊपर मैंने इसको वेयर किया था, क्योंकि मैं जब वर्किंग थी तो वहाँ पर सूट अलाउ थे, तो हम सूट ही पहना करते थे, तो मैंने वहाँ पर ये वेयर किया था। उसके साथ है ये एक चोकर पीस, इसके साथ में एयरिंग और क्या बोलते हैं, एयरिंग और रिंग दोनों आई थी, मतलब थंब रिंग थी और एक एयरिंग था। इसको भी हमने परचेज किया था, ये लोकल मार्केट से लिया था मैंने, अपने घर के पास लोकल मार्केट से। इसको मैंने आज तक अभी वेयर नहीं किया, आई होप इसको परचेज किए 3-4 साल हो चुके हैं जब मैंने इसको परचेज किया था, कि उस टाइम पे ये आया था ऐसे ना चोकर वाले जो नेक पीस होते हैं उस टाइम पे ऐसे ट्रेंड में आए थे, तो मैंने उस टाइम पे लिया था, बट मैंने इसको कभी वेयर नहीं किया। आई डोंट नो कि क्यों नहीं किया है, बट अभी जितनी भी ज्वेलरी है ना मैं वो ट्राई करूँगी कि उनको वेयर कर करके कुछ ना कुछ वीडियो या कुछ ऐसे अपलोड करूँ, ताकि इनका जो मैंने इन पे इन्वेस्टमेंट किया है ना वो मुझे ऐसे हो जाए कि हाँ चलो मैंने वेयर तो कर ही लिए चीज़ें। एंड देन मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक और, ये गोल्डन भी नहीं है और ये ना ही ये सिल्वर है, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसको शेयर करूँ या नहीं करूँ, बट मैं कर देती हूँ शेयर। तो ये वाला नेक पीस मुझे याद नहीं है कि कहाँ से हमने लिया था, बट लिया तो था अगर है मेरे पास, तो ये कुछ इस तरीके का है। ये बहुत सुंदर लगता है इंडियन वेयर पे, आप वेयर करो ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत प्रिटी लगता है ये पहनने के बाद। ये देखो इस तरीके से मैंने इसको वेयर किया था, 2 बार इसको वेयर किया, इससे ज़्यादा मैंने इसको वेयर नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे ना हैवी सा लगता है, लाइक बहुत ऐसे शादी या पार्टी में आप कहीं जा रहे हो ना तो लगता है कि इसको वेयर करो। बट इसके साथ ना नेक पीस है सिर्फ, बट इसके साथ ना कोई भी इयररिंग्स नहीं आए, जिसकी वजह से इसको अकेले ना वेयर करने में थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे। तो जब भी ऐसा होता है कि मैं बहुत हैवी मेकअप लुक क्रिएट किया है तो मैं इसको वेयर करती हूँ, जिसमें अपना इयररिंग पहनने की ज़रूरत ना हो। और जितने भी पीस मैंने अभी आपको दिखाए सबके साथ इयररिंग सभी के साथ है, मैंने इयररिंग आपके साथ शेयर नहीं किए, बट मैंने नेक पीस आपको दिखा दी, क्योंकि इयररिंग मैं रैप अप करके रख चुकी हूँ, तो वो मैं अभी ओपन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारा काम हो जाएगा फिर मेरे पास। और इस करके तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे जो चोकर है ना वो दिखा रही हूँ, मैं मेरे पास कितने चोकर पीस हैं, 2-3 चोकर पीस हैं। बाकी कुछ ज्वेलरी थी जो मैंने अभी जब अपना रूम रीसेट किया ना, आपने लास्ट टू लास्ट व्लॉग में देखा होगा आई गेस, मैंने रूम को डेकोरेट किया था, उस टाइम पे मैंने कुछ पीसेस थे जो बहुत ज़्यादा से ब्लैकआउट हो गए थे, तो वो मैंने थ्रो कर दिए थे कि मुझे अब नहीं चाहिए अब कलेक्शन में, क्योंकि वो अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में।
तो नेक्स्ट पीस जो है वो कुछ इस तरीके का है, ये चोकर पीस है और इसको मैंने बहुत बार वेयर किया है, मतलब बहुत बार, ये बहुत सुंदर लगता है वेयर करने के बाद में। तो हल्का सा ये भी ब्लैकआउट होना स्टार्ट हो गया, बट मैंने इसको क्लीन कर दिया था क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट है और मैंने इसको बहुत बार वेयर किया है वीडियोस में भी, तो इस करके ना फिर मैंने इसको रखा हुआ है। इसकी एक जंप रिंग भी निकल गई जो मैं भी लगा दूंगी क्योंकि हो गया होगा कहीं गायब ये। और उसके बाद एक ये है चोकर पीस, मेरा फेवरेट है, मतलब चोकर ना मैं बहुत ज़्यादा वेयर करती हूँ, चोकर ना किसी पे भी वेयर किए जाते हैं, इस करके ना चोकर पीस तो मैं बहुत ज़्यादा वेयर करती हूँ। ये वाले भी हैं, ये कुछ इस तरीके का, इसको मैंने कई बार वेयर किया है, मतलब कई बार बहुत बार ऐसे वेयर कर दिए हैं। और नेक्स्ट जो पीस है वो कुछ इस तरीके का है, ये कुछ इस तरीके का ग्रीन एंड मैरून रेड जो होता है ना उसके उस तरीके का है ये। तो ये एक और है, ये बहुत ही ऐसे ना सिंपल सा है, तो ये सबसे पहला बोल सकते हो आप, जब मैंने सबसे पहला ज्वेलरी पीस लिया था आज से 5 साल 6 साल पहले आई गेस, अपने पैसों से, मतलब अपने जो अर्निंग से ये मैंने सबसे पहला लिया था, तो मैंने इसको इस करके रखा हुआ है। ये बहुत अच्छा प्रिटी लगता है, हल्का सा ये भी ब्लैकआउट होना स्टार्ट हो गया, बट इसको ना से क्लीन कर देते ना हम उससे, थिनर जो होता है थिनर से ऐसे क्लीन कर देती, बिल्कुल बहुत ही ऐसे सुंदर से निकल के आ जाता है, ऐसे ऐसे छिला हुआ अंडा होता है ना ऐसे गोरा सा हो जाता है ये। और इसके बाद ये था आज कुछ छोटा सा ज्वेलरी कलेक्शन, आई होप आपको अच्छा लगा हो। और इसके अलावा जो मेरे पास ज्वेलरी है वो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और आपको लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने छोटू सा व्लॉग बनाया था, छोटू सा वीडियो बनाया था छोटे छोटे नेक पीस के साथ में। अदरवाइज जो और पीसेज हैं अगर आप बोलोगे आपको ये अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। और तब तक आप कमेंट कर डालूंगे कि मुझे ये बताओ कि आपको और कौन सी ऐसी वीडियोज़ हैं, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो आप व्लॉग में देखते हो बट मैं डिटेल में नहीं बता पाती हूँ आपको व्लॉग के अंदर, क्योंकि व्लॉग का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसी के अंदर हमें व्लॉग खत्म करना होता है, ज़्यादा लंबे हम बना नहीं सकते। तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बता रहे हैं कि आप वो देखना चाहते हो, तो ऐसे ही सिट डाउन वीडियो बनाकर मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें भी शेयर करूंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करते हैं प्लेटफॉर्म पे, इसलिए वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कल वाले, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल, ओके बाय।